लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में फिजियोथेरेपी एवं डिजिटल एक्सरे मशीन को इंस्टॉल किया गया है। इसका उद्घाटन 6 अक्टूबर को महापौर नीरज पाल के द्वारा किया जाएगा। मरीजों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र के प्रयासों से अस्पताल में फिजियोथेरेपी एवं डिजिटल एक्सरे मशीन को इंस्टॉल किया गया है। इसके संचालन के लिए कर्मचारियों की टीम को भी तैनात किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन 6 अक्टूबर को नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल द्वारा किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में डिजिटल एक्सरे एवं फिजियोथेरेपी सेंटर की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, जो अब जाकर डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र के प्रयासों से पूरी हो सकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग द्वारा इस मांग को गंभीरता से लेते हुए लोगों के समुचित उपचार के मद्देनजर इस सुविधा को मुहैया कराया गया। इसकी जानकारी सिविल अस्पताल सुपेला के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने दी। जी कल 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सिविल अस्पताल सुपेला में डिजिटल एक्सरे एवं फिजियोथेरेपी का उद्घाटन किया जा रहा है माननीय महापौर के हाथों। और डिजिटल एक्सरे से आने से मरीजों को जो है एक्सरे की गुणवत्ता बढ़ जाएगी एवं जल्दी जो है एक्सरे मिलने लगेगा। और फिजियोथेरेपी यूनिट चालू होने से जो लंबे समय से दर्द से परेशान है उनको जो है सिकाई करके और एक्सरसाइज करवा के उनको दर्द से राहत दिलवाई जाएगी। जी हमारे यहाँ 3 कर्मचारी हैं और तीनों कर्मचारी जो हैं एक्सरे करने में एक्सपर्ट हैं। फिजियोथेरेपी का जो रहता है जो घुटना दर्द है, कमर दर्द है और जन्मजात जो बच्चे विकलांग हैं या लकवा से पीड़ित हैं उनके लिए जो है बहुत जो है मददगार रहता है। अभी लगातार उच्च अधिकारियों से बात चल रही है और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग की जा रही है और साथ में नया बिल्डिंग बना के और सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि जिला स्तर की जो सुविधाएँ जो हैं सिविल अस्पताल सुपेला में मिल सके। गौरतलब है कि सिविल हॉस्पिटल सुपेला में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग भी लंबे वक्त से की जा रही है। मरीजों की भारी भीड़ के मद्देनजर यहां अन्य सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ता है। व्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।